हेलो एवरीबॉडी, इस चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है एक नए प्रोडक्ट रिव्यू के साथ। मैं चिंग चांग, नमस्ते, सलाम अलैकुम। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए प्रोडक्ट रिव्यू। तो आज मैं आपके सामने एक नए प्रोडक्ट फिलिप्स के जो रेडियो है वो लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो मैं आपको ये प्रोडक्ट रिव्यू दूंगा, लेकिन ये प्रोडक्ट रिव्यू दूंगा, कोई अनबॉक्स नहीं करूंगा। और क्योंकि ये ऑलरेडी अनबॉक्स किया हुआ है और ये एकदम नए रेडियो नहीं है, ये मेरा घर का रेडियो है और 2 साल पहले 2019 में आई हैव परचेस्ड दिस रेडियो फॉर माय फादर। और मेरे भी और एक रेडियो है, ये देखिए फिलिप्स का रेडियो है। और आप मेरे चैनल में फिलिप्स का रेडियो का जो साउंड क्वालिटी है और कैसे है वो सब आपको इस चैनल में मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये बैटरी से है, इसका साउंड क्वालिटी, जितने सारे रिव्यू है मैंने परचेस करने के बाद मैंने इस चैनल में इस सोनी रेडियो का प्रोडक्ट रिव्यू दिया, लेकिन अनबॉक्स नहीं किया, यूज़ किया, यूज़ करने के बाद ये प्रोडक्ट रिव्यू दिया। आपको अगर परचेस करना है सोनी रेडियो तो मेरे चैनल में चले आइए और लिखिए सोनी रेडियो, तो आपको इस रेडियो का प्रोडक्ट रिव्यू मिल जाएगा। और मैं आज ये जो फिलिप्स रेडियो है ये फिलिप्स रेडियो का प्रोडक्ट रिव्यू दूंगा, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, इतना साल से मैं भी सुन रहा हूँ, घर का सभी लोग सुन रहे हैं, तो इसका साउंड क्वालिटी कैसा है मैं आपको कंपेयर कर दूंगा इस सोनी रेडियो से, कौन अच्छा है, ये अच्छा है और ये अच्छा है, दाम किसका ज़्यादा है, दाम किसका प्राइस है, साउंड कौन सा वाला किसके लिए है, वो मैं आपको सब बता दूंगा इस वीडियो में। तो मैं पहले आपको कह देता हूँ, देखिए इसके रेडियो का मॉडल नंबर आपको कह देता हूँ। देखिए ये फिलिप्स का रेडियो है, इसमें एक स्पीकर है और एक ट्विटर भी है। और ये नाम है फिलिप्स टाइगर, इसका मॉडल नंबर है RL191। देखिए इसका ऐसे देखने में है, उसके ऊपर हैंडल है और ये एंटेना भी है, जिसके मेरे शहर में तो रेडियो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है और मेरे घर से 3 किलोमीटर के अंदर एक रेडियो स्टेशन है, बहुत बड़ा रेडियो मेन स्टेशन है, तो ये एंटेना नहीं चलेगा। और जिसके रेडियो जिसके शहर में और जिसके गांव में रेडियो चैनल बहुत दूर तक है, उसके लिए ये एंटेना लगेगा, मेरे शहर के लिए एंटेना नहीं लगेगा। और देखिए इसके साइड में, देखिए इसके साइड में एक वॉल्यूम है, देखिए इस वॉल्यूम है, ये ट्यूनर है और एक वॉल्यूम है और एक डीसी लाइन है। ये देखिए ये डीसी लाइन है, ये वॉल्यूम है और ये ट्यूनर है। ट्यूनर मतलब ये देखिए ट्यूनर, ऐसे ऐसे इसको कहते हैं ट्यूनर। और ये प्लास्टिक क्या है, देखिए ये प्लास्टिक का है। और देखिए इस पीछे में कुछ लिखा है, देखिए ये फिलिप्स है, 3.0 वोल्ट है और 0.5 वाट है, मॉडल नंबर आले RL191/00 है और सीरियल नंबर FH3B18140564474, मॉडल नंबर इसमें भी लिखा है। और ये कोड है, देखिए ये कोड है, आपको पता चल गया, आप वीडियो में ठीक से देख ले। और ये है पीछे, देखिए इसमें MW है, MW का मतलब मीडिया वॉय, एंड FM है, FM हम सभी लोग जानते हैं, हमारे सबके जो मोबाइल फ़ोन है वो मोबाइल फ़ोन में वो डिवाइस रखा है FM का, तो सबके मोबाइल फ़ोन में MW यानी मीडिया वॉय नहीं है, मीडिया वॉय मतलब जो मीडियम वॉय में जो गवर्नमेंट का स्टेशन है वो सब चलता है, गवर्नमेंट जो स्टेशन है, और FM में जो प्राइवेट जो रेडियो है वो सब FM में चलता है। और देखिए इसमें बैटरी रिक्वायर
रिक्वायरमेंट के ज़रूरत है, और ये रेडियो बैटरी में और डीसी करंट में चलता है, और डीसी करंट में चलाने के लिए आपको एक एडाप्टर चाहिए। यू हैव टू नीड वन एडाप्टर टू प्ले दिस रेडियो थ्रू डीसी करंट। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट होता है। ये अडाप्टर ये रेडियो के दुकान में ही आपको मिलेगा। देखिए ये अडाप्टर आपको लेना है एसी अडाप्टर, आउटपुट 3.3 वोल्ट, क्योंकि इसमें लिखा है, देखिए 3 वोल्ट लिखा है, देखिए देखिए इसमें 3 वोल्ट लिखा है, इसलिए ये अडाप्टर 3 वोल्ट होना चाहिए। और आप अगर ये अडाप्टर परचेस करें तो आपका जो साउंड है थोड़ा सा नॉइजी आएगा, थोड़ा सा नॉइजी ज़ करके आएगा, क्योंकि अभी सब सिटी में सब प्लेस में जो मोबाइल टावर है उसके लिए वो थोड़ा सा नॉइजी आता है। और अगर आप बैटरी यूज़ करें तो नॉइज़ नहीं आएगा। तो अब देखिए इसमें जो मोटा वाला बैटरी होता है वो लगता है इस रेडियो के पीछे, और अगर एफएम चलाना चाहते हैं तो ये प्रेस कर दे, और आप अगर एमडब्ल्यू चलाना चाहे तो इसमें प्रेस कर दे। बैटरी 2 चाहिए, और देखिए बैटरी का साइज़ भी लिखा है, देखिए ये ऐसा होता है, साइड में थोड़ा सा स्पॉन्ज है और ये थोड़ा सा हल्का ही है, अगर बैटरी लग जाए तो ये भारी हो जाएगा। फिलिप्स का है, साउंड बहुत ही अच्छा है। देखिए मैं पहले क्या क्या लिखा है वो मैं आपको बोल देता हूँ, उसके बाद मैं कंपेयर कर दूँगा आपको। देखिए 2 × R20 जो साइज़ मोटा वाला बैटरी होता है, इतना बड़ा मोटा वाला, जो पुराने जो लोग होते हैं, जो पुराने जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो लोग जानते हैं मोटा वाला बैटरी कितना साइज़ का है। बस 2 × R20/D cell UM1 और इक्विवेलेंट आपको चाहिए। इक्विवेलेंट मतलब ये डीसी, ये होता है इक्विवेलेंट, 3.0 वोल्ट चाहिए। तो इसमें लिखा है रिमूव एग्जॉस्ट बैटरीज इमीडिएटली, ये सब लिखा है। देखिए इसमें हैंडल भी है, इसमें लिखा भी है फिलिप्स। तो मैं अभी आपको देखिए, अभी आप अगर गाना सुनना चाहते हैं तो मैं आपको ज़्यादा देर नहीं दिखा पाऊँगा, सुना नहीं पाऊँगा, क्योंकि गाना अगर मैं आपको सुना दूँ तो इस चैनल में कॉपीराइट का क्लेम आ जाएगा। तो मैं अगर कोई गाना चले तो मैं आपको सुना नहीं पाऊँगा। देखिए चालू करते हैं ये अडाप्टर से। देखिए MW मैंने प्रेस कर दिया, ये MW से, क्योंकि FM मैं नहीं चला पाऊँगा, क्योंकि FM में बहुत सारा गाना होता है जो कॉपीराइट क्लेम हो जाएगा इस चैनल में। अब देखिए सब रेडियो चैनल बंद है, देखिए अभी सब रेडियो चैनल बंद है। तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ FM में। देखिए मैं ट्राई करता हूँ, आप थोड़ा सा आपको सुना पाऊँगा, ये मैं आपको सुना पाऊंगा। हाँ ये मैं आपको सुना पाऊंगा, क्योंकि ये वॉइस रिकॉर्ड है, कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं होगा, और आपको वॉल्यूम भी आपको दिखा पाऊंगा। अब साउन्ड देखे विषयमा केही बताउन लागिरहेका छौं। हाम्रो भारतीय संस्कृतिमा यस्ता अनेकौं चाडपर्व आदिको
आफ्नै मान्यता छ औ सबैले बेग्ला बेग्लै महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेका छन्। प्रत्येक चाडपर्वको एक आफ्नो महत्त्व हुँदछ, त्योसँग हाम्रो पारम्परिक संस्कृति जोडेको छ। यसकारण यसले मानवीय मूल्यहरूको वृद्धि बनिरहन्छ औ संस्कृतिलाई निरन्तर परिपोषण तथा संरक्षण भइरहन्छ। आदरणीय श्रोताहरू, धनतेरस धनते त्रयोदशीलाई सामान्य रूपमा धनतेरस पनि भनिन्छ। यो आरोग्य एवं धन प्राप्तिको पर्व दीपावली भन्दा दुई दिन पूर्व कार्तिक महिनाको कृष्ण त्रयोदशीमा मनाइन्छ औ यस पर्वका दुई मुख्य रूप छन्। जम्मै पर्वहरूमा दीपावलीको एउटा विशिष्ट स्थान छ। दीपावली केवल दियोहरूको मात्र काल दीपावली का जो फेस्टिवल है वो मनाया जाएगा, तो इसलिए इस नेपाली लैंग्वेज में ये अनाउंस कर रहा है, कुछ अनाउंस कर रहा है। ये कॉपीराइट का क्लेम नहीं होगा, तो आप सुन लिया इसका साउंड क्वालिटी। अब मैं आपको बताऊंगा ये रेडियो किसके लिए है और ये रेडियो किसके लिए है। देखिए, ये रेडियो जो घर में आप अगर ये रेडियो चलाए तो घर में कोई भी एक कोना में ये रेडियो रखे, इसका जो साउंड क्वालिटी है और जो साउंड का जो इंटेंसिटी है, जो साउंड का जो आउटपुट है, वो इससे ज़्यादा है। ये जो छोटा रेडियो है इससे ज़्यादा है, और ये रेडियो आप अगर ले ले तो सब लोग सुन पाएगा, घर में सब लोग सुन पाएगा, बाहर में आपकी थोड़ा सा कम एरिया में आपको सुन पाएगा। आप अगर चाय के दुकान में बैठ जाए ये रेडियो लेकर, तो सब लोग छोटे के चाय के दुकान में बैठ जाए तो ये रेडियो लेकर अगर बैठ भी जाए तो सब लोग सुन पाएगा आपका जी, ये रेडियो से जो शब्द होता है वो सुन पाएगा। आप ये रेडियो आपके चाय के दुकान में भी, आपके छोटे छोटे कोई भी दुकान में भी हो तो ये रेडियो आप यूज़ कर पाएंगे। देखिए, इसके रेडियो में कोई बैटरी रिक्वायरमेंट भी है, और एक भी ऑप्शन दिया हुआ है ये एसी अडैप्टर का। आप अगर चाहे तो आपका छोटे कोई दुकान हो, दुकान में एसी के थ्रू डीसी के थ्रू ये रेडियो चलाए और सबको ये सुनाए तो ये रेडियो बहुत ही अच्छा है। और आप अगर ये रेडियो पॉकेट में घूमने के लिए नहीं है, ये रेडियो टेबल रेडियो है, एक्चुअली ये रेडियो टेबल रेडियो है, देखिए इसके हैंडल में है। और ये रेडियो है, इसका रेडियो भी साउंड क्वालिटी अच्छा ही है सोनी रेडियो का, लेकिन इसका जो साउंड क्वालिटी है दोनों ही अच्छा है। देखिए, ये छोटा रेडियो है पॉकेट में घूमने के लिए, एक्चुअली ये पॉकेट में नहीं रखा जाएगा, साइज़ इतना हुआ है। और इसका जो कोई ऑप्शन नहीं है डीसी का, कोई ऑप्शन नहीं है, आप इसको बैटरी से ही चला पाएंगे क्योंकि बैटरी से इसका नॉइजलेस साउंड होता है, बहुत ही अच्छा साउंड होता है इसका जो साउंड होता है। और इसका जो साउंड होता है अच्छा ही है, इसको इसमें कोई ट्विटर नहीं लगेगा, लेकिन इसमें एक ट्विटर है, देखिए इसमें एक ट्विटर है इसमें, और इसमें एक स्पीकर है प्लस ट्विटर है, और इसमें ओनली स्पीकर है, स्पीकर से ही ट्विटर का काम हो जाता है। तो इस रेडियो से मेरे जो घर है, घर में जो मेरे पिताजी है, पिताजी इस रेडियो से सबको सुनाते हैं, और करंट लगता है ये डीसी, तो कोई बैटरी के चेंज करने के कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आप अगर आपके कोई फादर को, मदर को, और आप खुद भी परचेस करना चाहते हैं आपके दुकानों के लिए, किसी को सुनाने के लिए, तो ये फिलिप्स रेडियो बहुत ही अच्छा है। साउंड क्वालिटी भी मैंने आपको सुना दिया, बहुत ही अच्छा है, हाई वॉल्यूम से सुना दिया, बहुत ही अच्छा है। तो ये था इस वीडियो में, इस फिलिप्स रेडियो का थोड़ा सा कोई अच्छा थोड़ा सा रिव्यू। मैं आशा रखूँगा ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके साथ मुलाकात होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।